हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास है अब 10 साल पुराना एक फ़ोन माइक्रो मैक्स। तो इसको हम करेंगे वन। तो 10 साल बाद, 10 साल तो नहीं, 4 साल बाद मैंने इसे 4 से के वन किया है। तो ये वन हो चुका है। तो इसकी कंडीशन लगभग अच्छी ही है, बुरी हालत नहीं है इसकी कंडीशन। तो मैंने एक चैलेंज ले लिया है कि इस एक दूसरा माइक्रो मैक्स फ़ोन है, इस फ़ोन के बैटरी से हम उसे चलाएँगे, चलता है कि नहीं हम देखेंगे कैसे नहीं चलता। तो सबसे पहले इसके ढक्कन को मैंने ओपन कर लेता हूँ और इसके जो बैटरी है अंदर का इसे निकाल लेता हूँ। और ये जो ब्लैक फ़ोन है माइक्रो मैक्स, ये भी 8 से 9 साल पुराना है और इसका बैटरी ख़राब हो गया है। और ये जो बैटरी है इसके साइज़ का बिल्कुल नहीं है, देखो थोड़ा लंबा ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ा कम है। तो इस फ़ोन के बैटरी से हम इसे वन करेंगे। तो फाइनली बहुत देर बाद इसे वन कर लिया है हमने। तो गाइस, मैं खुद ही फ़ोन पकड़ के वीडियो कर रहा हूँ एक हाथ से और एक हाथ से कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा वीडियो में। और देखो इसके पीछे ये जो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे भी कम होगा। और सामने मेरे ख्याल से 5 से 3 मेगापिक्सल का कैमरा सामने है और ये पूरा ब्लैक रंग का है। और इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, 1.8 का प्रोसेसर है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन अच्छे तो नहीं, ऐसे प्रोसेसर तो नहीं है, तो देखते हैं। तो गाइस फाइनली गाइस देखो ये वन हो चुका है 4 साल बाद। 4 साल बाद एक बेकार ढेर में पड़ा था और 4 साल बाद मैंने इसे लेके ऑन कर लिया, वो भी दूसरी बैटरी से। तो मेरा ये फर्स्ट चैनल तो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड चैनल की बात हो तो इसे हम चलाएंगे मक्खन की तरह। तो ये वन हो चुका है, तो इसमें अभी चार्ज नहीं है। तो आज दूसरा दिन है गाइस, आज दूसरा दिन है। तो इसे हमने देखो अच्छे से सेटअप कर लिया है। मेरे पास रबर बैंड ये भी नहीं थे, इसलिए मैंने धागे की मदद से ही बैटरी को ऐसे बांधा है और ये चल भी रहा है। और थोड़ा गर्म हो चुका है क्योंकि इसका बैटरी नहीं है। और देख सकते हो ये 8 साल पुराना फोन है और एंड्रॉइड है। देखना है अभी चलूंगा तो पहले इसका लुक अब देख लीजिए। यहाँ पे दो सिम कार्ड और यहाँ पे एक एसडी मेमोरी कार्ड हो सकता है। और यहाँ पे चार्ज देखो कितना चार्ज है। और हम इसे ऐसे चलाएंगे, पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो कितने अच्छे से चल रहा है। मक्खन की तरफ ऐसे चल रहा है कि ये इतना पुराना फोन होने के लिए चल रहा है। तो पहले हम इसे कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो देखो, तो गाइस इसके कैमरे की क्वालिटी देख लो, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो फिर भी कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। तो जो वीडियो कैमरा है इसमें तो वैसा ओरिजिनल दिखाएगा, पर ये कैमरा है तो थोड़ा ब्राइटनेस बेहतर ही देगा। तो ये बहुत पुराना है इसलिए इसमें ये फीचर्स नहीं है। तो अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो देखो इस फोन के कैमरे में ऐसा लग रहा है, देखो कैसा, ज्यादा अच्छा कलर नहीं है। और ये वीडियो कैमरे में मैं देखो कैसा लग रहा है, ऐसा वीडियो नहीं है ये जिस कैमरे में मैं कर रहा हूँ। और ये देखो इसमें फोटोज वगैरह तो अच्छा आएंगे। और फ्रंट कैमरा कर लेते हैं, हमारा 3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तो देखते हैं वो। देखो मैं अभी फोन पकड़ के वीडियो कर रहा हूँ। तो मेरे फोन का नाम है Realme Narzo 50A। कैमरा देखो, इससे ही मैं वीडियो करता हूँ, यूट्यूब में वीडियो इससे डालता हूँ, इसमें एडिटिंग करता हूँ। कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास। तो उसमें फ्रंट जूम भी है 6x और पीछे भी 6x जूम है। सामने तो कैमरे में भी देखो ये जूम है, यहाँ पे जूम में 6x जूम है, सामने भी 6x वीडियो चल रहा है। फोन तो बढ़िया है, तो ऐसे लग रहा है। तो फोन बहुत अच्छा चल रहा है। तो थोड़ा हल्का लैग मतलब स्पीड कम है इसमें, थोड़ा स्पीड कम है पर अच्छा चल रहा है यहाँ पे। तो फोन पे अभी हम इंटरनेट ऑन करेंगे तो अभी देखते हैं। 87% जो बैटरी है ये दूसरा बैटरी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा चार्ज खाएगा। तो अब हम इसमें इंटरनेट कनेक्शन करेंगे। तो कैसे इंटरनेट करेंगे, तो हम जिस फोन से मैं वीडियो कर रहा हूँ उससे हम हॉटस्पॉट लेंगे। तो सब सेटअप कर लेते हैं। तो करते हैं कि बताइए कि नहीं, वीडियो थोड़ा कट कट के मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो भाई, तो फाइनली हमने ये दो हॉटस्पॉट ले लिया है वहाँ पे। तो पहले सबसे हमारा प्यारा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यूट्यूब। ओह शिट, यहाँ पे यूट्यूब इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई।
देखते हैं कितना नेट खाएगा, देखते हैं क्या होता है। कुछ ब्लैंक, अरे शिट, जीमेल आईडी पर ये जीमेल का जब ये फोन हमारे पास था तो मैं बहुत छोटा था, 2 से 3 साल का, उसे भी थोड़ा ज्यादा 4 साल का था, तो मुझे पासवर्ड के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो नया अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। और इस फोन में अकाउंट खोलने के लिए फीचर्स जो है बहुत हार्ड हैं और कुछ समझ भी नहीं आते, पहले फर्स्ट नेम उसके बाद डिटेल लिखना पड़ता है, पर इसमें ये फीचर्स बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखो, फिर से कर रहा है, एक टाइम कर रहा है, स्किप करना पड़ेगा, हाँ पर क्या है, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो फिलहाल इसे हम रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।